Okay, class 7. So next, after question number 1, we have question number 2, and in question number 2, we have simplify and express each of the following in exponential form. क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चंस है उनको सिंप्लीफाई करना है, मींस सॉल्व करना है, एंड आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है पावर नोटेशन में. ओके, सो इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगी. दो मेथड मींस फर्स्ट मेथड इज ये, इसमें आपको डायरेक्ट मेथड मींस कि सिंपली व्हाट वी डू कि जो आपकी पावर्स हैं, पावर्स को एक्सपेंड करते हैं एंड सिंपली उसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग द साइन बिटवीन द नंबर्स. ठीक है, और सेकेंड मेथड में हमने जो अभी लॉज ऑफ एक्सपेरियंस का जो स्टडी किया है इन लास्ट वीक, वो हम अप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 2 raised to power 3 इंटू 3 raised to power 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 into 32. तो फर्स्ट मेथड में हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सी इसका मीनिंग क्या है कि 2 raised to power 3 इंटू 3 raised to power 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 into 32. ये जो थ्री नंबर्स हैं न्यूमिरेटर, ये आपके ये टू नंबर्स जो डिनोमिनेटर के टू नंबर्स, इनसे डिवाइडेड होंगे. तो हम न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर सकते हैं इफ पॉसिबल. तो लाइक हियर 4 and 32 को आप रिड्यूस कर सकते हैं. तो 4 ones are 4, 4 8s are 32 आपका होता है. हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, 2 raised to power 3 को हम ओपन करेंगे, इसकी पावर को एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे. तो 2 raised to power 3 मीन्स 2 is multiplied by 2 थ्री टाइम्स. 2 आपका 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 2 into 2 into 2. ओके, देन 3 raised to power 4 मीन्स 3 is multiplied by itself 4 times into 1 divided by 3 into 8. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास यहाँ पर 2 एंड 8 हम रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे, 2 ones are 2, 2 fours are 8. अगेन 2 ones are 2, 2 twos are 4. 2 ones are 2, 2 twos are 2 ones are 2. रिड्यूस हो गया, 2 twos are 4, 2 twos are 8 upon 8, 8 ones are 8 रिड्यूस हो गया. एंड दिस 3 is divided by this 3 वन टाइम. ओके, नेक्स्ट रिमेनिंग नंबर्स आर 1 ones are 1, 1 ones are 1 मीन्स 1, 3 into 3 into 3, 3 times 3 रिमेनिंग है into 1. नो नीड टू राइट दिस 1. ठीक है, ये 1 भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है 3 ones are 3. तो 3 और डिनोमिनेटर में आपका 1 ओनली रिमेनिंग है, तो नो नीड टू राइट 1 इन डिनोमिनेटर. नाउ 3 raised to power 3, 3 into 3 into 3 मीन्स 3 raised to power 3. तो क्योंकि आंसर बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ठीक करना है, सो 3 raised to power 3 इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये फर्स्ट मेथड से इसका आंसर हो गया.